सारा मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के जिन्हें भी मंच रिप्रेजेंट करते हो, सब तो पहला तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है अज की इस बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस के। मैं स्वागत करता साडे आम आदमी पार्टी के नैशनल कन्वीनर ते देश के सब तो लोकप्रिय मुख्यमंत्री दिल्ली श्री अरविंद केजरीवाल जी का इस पवित्र धरती से स्वागत करते हैं। उन्होंने नाल साडे पंजाब के को इंचार्ज ते दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन ते एमएलए राजेंद्र नगर राघव चड्डा जी, पंजाब के पंजाब मामलों के इंचार्ज ते एमएलए तिलक नगर जरनैल सिंह जी, साडे एलओपी हरपाल चीमा जी ते साडे सारे एमएलए साहबान जिहड़े बैठे ने प्रोफेसर साधु सिंह जी ते सारे एमएलए साहबान, मैं सारे का स्वागत करदा। ते एक नाम मैं आखिर वास्ते रखे है जिसनों तुसी सारे वेट कर रहे हो, इंतजार कर रहे हो। बहुत खुशी की गल है कि आम आदमी पार्टी के विच मन्ने परमन्ने खिडारी, मन्ने परमन्ने वकील, मन्ने परमन्ने जज, मन्ने परमन्ने कलाकार, मन्ने परमन्ने ईमानदार अफसर आम आदमी पार्टी का हिस्सा बन रहे ने। कुछ नौकरियां छड़ के बन रहे ने कि असी ये नौकरी करनी नहीं, असी बाकी जिंदगी पंजाब के लेखे लाउणी है, इस लुटेरी जमात नूं असी सबक सिखाउणा है। जो असी नौकरी तां नहीं कर सके, असी नौकरी तो बाहर रह के आम आदमी पार्टी ज्वाइन करके वो कर सकते हैं। तो अज असी स्वागत करते हैं एक ऐसे अफसर का जिस अफसर की ड्यूटी अक्सर हाईकोर्ट इस करके लाउंदी सी कि उस तो इनकुआरी करा लो, उन्होंने इनकुआरी अफसर ला लो, क्योंकि उस अफसर की जिहड़ी इमेज है अज भी इहोजे चिक्कड़ दे विच उहने दामन साफ रखे। श्री कुंवर विजय प्रताप जी तुहाडा मैं स्वागत करदा। अज कुंवर विजय प्रताप जी आम आदमी पार्टी के परिवार का हिस्सा बन जा रहे ने। यह जिहड़ियां निशानियां ने, यह बदलाव दीआं निशानियां ने। आम आदमी पार्टी हर आम आदमी नूं रिप्रेजेंट करती है। जिस तरह मैं कहा, इत्थे जरूरी नहीं कि लीडरां दे धीआं पुत्ती आउणगे, इत्थे जरूरी नहीं कि लीडरां दे अगे भतीजे अगे भूआ फुफड़ आउणगे, इत्थे हर वर्ग नूं प्रतिनिधता मिलती है। अरविंद केजरीवाल जी खुद आईआरएस ऑफिसर की नौकरी छड्ड के, इनकम टैक्स के कमिश्नर की नौकरी छड्ड के राजनीति च आए, उस अफसर उस दफ्तर के अगे कुर्सी डाली कि जे अंदर कोई करप्शन करता है तो मैनू दस्यो। झुकियां झोपड़ियां जिंदगी गुजारी, जिस वेले आईआरएस का टैस्ट पास किया घरदियां नूं कई दिन लग गए इन्हां नूं लभण नूं, इह दस्सण नूं कि तुसीं अफसर बन गए। यह उदों गरीबां दीआं झुकियां झोपड़ियां च रह के उन्हां दी उत्थान का, उन्हां दी तरक्की का, उन्हां दे जीवन नूं उच्चा चक्कण का काम कर रहे सी। सो वीरो, मैं मीडिया नूं कहना चाहुंदा कि आम आदमी पार्टी के परिवार च हर रोज वाधा हो रहा है। जिहड़ा अज वाला वाधा है वह खास इस करके है कि पंजाब दीआं भावनावां उस अफसर की जिहड़ी एसआईटी बनाई सी उहदे नाल जुड़ियां होईयां ने। लखां करोड़ां लोकां दीआं भावनावां श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी वालियां जुड़ियां होईयां ने। उम्मीद सी सारे लोगों को कि कुंवर विजय प्रताप जी ला दिते ने तां दोषियों को सज़ा मिल जूगी, तो कटहरे के विचों खड़े हो जाएंगे जिन्होंने गोलियां के ऑर्डर दिते, जिन्होंने गुरु साहब की बेअदबी करवाई। साडी धरती ते साडे गुरु साडे पिता की जिहड़ी बेअदबी हुई है वो तो सानू थोड़ा जिहा कालजे च ठंड पऊगी कि वह अफसर जिहड़ा इहो जिहा लाता, पर सिस्टम जिहड़ा है, पर ये रले मिले जिहड़े होए ने नीले बगले चिट्टे मोर सारे चोर और रल के उन्होंने किस तरह उन्होंने जलालत की, उन्होंने
हाई कोर्टा तो फैसले करवा ले, कल दे इन्हां दे खिलाफ बोलन लगे हुए ने सारी। इथों ये सिद्ध हुंदा है कि कुंवर विजय प्रताप जी साफ सुथरे ते अपनी इमेज उन्होंने बरकरार रखी है। इस्तीफा भी देन गए, मनाया भी उन्होंने मुख्यमंत्री ने कि ना इस्तीफा दो, कहिंदे नहीं इस तरह की जलाल च मैं कम नहीं कर सकता, हाँ मैं सुपने पूरे करूंगा, मैं फैसले आपदे जिहड़े सुनाउणे सी मैं सुनाऊंगा, पर मैं किसी होर कलम नाल सुनाऊंगा। सो अज आम आदमी पार्टी जो शामिल हो रहे हैं, सब तो पहला मैं मुख्यमंत्री दिल्ली श्री अरविंद केजरीवाल जी को मैं बेनती करूंगा कि वो अरविंद केजरीवाल जी कुंवर विजय प्रताप जी को आम आदमी पार्टी शामिल करके सरोपा पा के फोटो पर बात करें, एमएलए साहबान बुलावांगे प्रॉपर फोटो दे। हुण मैं बेनती करूंगा कुंवर विजय प्रताप जी नूं कि वो अपने दिल दे बदले प्रेस नाल, मीडिया नाल, पंजाबियां नाल, पूरी दुनिया च इस वक्त देखा जा रहा है, सांझे करन कुंवर विजय प्रताप। सर ऑन कर। अमृतसर के इस पवित्र धरती को मैं नमस्कार करता हाँ, प्रणाम करता हाँ। इस मिट्टी ने मैं वो सब कुछ दिता जो एक इंसान ने वो चाहता, आज असं बैठे हुए हाँ इतने। मैं धन्यवाद करता हाँ दिल्ली के चीफ मिनिस्टर श्री अरविंद केजरीवाल जी का कि आज इतने तशरीफ लाए हैं, असं एक नवी शुरुआत कर जा रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हाँ सरदार भगवंत मान जी का, अपने जरनेल सिंह साहब का, राघव जथा जी का, अपने लीडर ऑफ अपोजिशन सरदार हरपाल सिंह जी चीमा का, समुची लीडरशिप सारे एमएलए साहिबान बैठे हुए हैं, मैं सारे का धन्यवाद करता हाँ। मीडिया का धन्यवाद करता हाँ, अमृतसर के जिन्हें भी बसनीक ने, जो नागरिक ने, लोग ने, आज देखो सारियां दी इच्छा सीगी कि वो इस समागम का हिस्सा बनन, लेकिन जो कोविड प्रोटोकॉल है इस करके असी किसी ने नहीं बुला सके। मैं खेमा का भी याचक हाँ क्योंकि वो सारे मेरे जो जिन्होंने मैंने इतने तक पहुँचाया है वो आना चाहते सी, लेकिन वो नहीं आ सके। आज देखो असी कोई राजनीतिकरण नहीं जा रहे हैं, राजनीति असी देखो 70 साल हो गए देश में, 70 साल तो ज़्यादा हो गए आज़ाद हुए, ठीक है। 15-20 साल तक ठीक राजनीति चली, राजनीति ठीक चली, उस तो बाद देखो लुटेरिया का राज हो गया, खास करके पंजाब दे विच देखो ये चरम सीमा पर पहुँच गया। 9 तारीख का जो दिन से 9 अप्रैल फ्राइडे इवनिंग, ये पंजाब के इतिहास के काला दिवस के रूप के मनाया जाऊगा। जेकर पंजाब की धरती के उत्ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब नूं इंसाफ नहीं मिल सकिया तो एक आम व्यक्ति की कि हालत होगी तुसी सोच सकते हो। जदों गुनाहां दा हिसाब देने की बारी आई तो रिपोर्ट नूं पेश कराया गया, जो कि बार बार पूछते हैं कि तुसी इस्तीफा क्यों दिता। देखो इस्तीफा इस करके दिता कि असी 2-2.5 साल मेहनत की, मेहनत करने तो बाद जदों रिपोर्ट फरीदकोट की मानयोग सैशन अदालत के सौंप दी गई सी, उत्थे कार्रवाई शुरू हो गई सी, ट्रायल शुरू हो गया सी, रिपोर्ट पई है देखो तुसी फरीदकोट दे विच, ऑर्डर आ रहे है चंडीगढ़ों, साढ़े सरकारी वकील ये भी नहीं जेकर बोल सकते कि रिपोर्ट फरीदकोट दे विच पई है, तुसी रिपोर्ट नूं चंडीगढ़ मंगा लो, मंगाउण तो बाद तुसी उहदे उत्ते फैसला करो। जिस दिन ऑर्डर आना है उस दिन साढ़े मानयोग एडवोकेट जनरल साहब बीमार पै जाते हैं, मान लो बीमार पै गए कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कोई वकील उठे खड़ के बोल सकता सी कि एडवोकेट जनरल साहब बीमार ने, वो आप बहस करेंगे। लेकिन जिस तरीके दे नाल होया सारा पंजाब दे सामने उस रिपोर्ट दे विच, वो देखो मेरी जिंदगी दा ये सब तो अहम इन्वेस्टिगेशन सीगा। मैं शुरुआत तो ही जिस दिन नौकरी ज्वाइन की, एक छोटी सी गल करना चाहता हाँ, जदों मैं SP City इतने आया पहला ASP आया सी, इसे अमृतसर की धरती तो अपनी नौकरी शुरू की,
दिसंबर 2002 दे विच जदों बतौर एएसपी इत्थे आया मैं काम करना शुरू किया। मेरे एक सीनियर अफसर ने इत्थे मैंने बुला के ये गल कही कि तुसीं बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो जी। मैं कहा कि तुहाडा मतलब की है? उन्होंने कहा कि देखो जंगल में मोर नाचा किसने देखा, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। मैं कहा कि नहीं, ये जंगल नहीं है। जेकर असीं क्लेम करते हैं कि कश्मीर तो लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है तो जंगल ना समझो। मैं बेशक पटना साहब की धरती तो आया हाँ, तो मेरे वास्ते खुशकिस्मती की गल है कि पटना साहब की धरती तो सीधे मैं अमृतसर साहब की धरती से आया। तो तुम देखो मैं उन्होंने ये कहा कि जेकर तुम जंगल भी इनू समझते हो तो असी जंगल के बीच मंगल जरूर करांगे। ये मैं वादा किया सन 2002। मैं अमृतसर की जनता का पूरा साथ मिलिया, विश्वास मिलिया। मैं भी कोशिश की कि उन्होंने विश्वास के उत्ते एक पब्लिक सर्वेंट के रूप में, मैं एक सिर्फ पुलिस अफसर के रूप में काम नहीं किया, मैं एक अमृतसर के लोगों के परिवारिक मैंबर के रूप में काम किया। इतने के लोग मैं हर परिवार अपने घर का परिवार का एक मैंबर इतने समझते हैं। मैं गलू अपनी कंकलूड करना चाहता हाँ कि असी राजनीति की शुरुआत कर रहे हाँ, वो राजनीति नहीं जो तुम वेखते आए। राजनीति नवी दिशा देनी है, राजनीति डिफिनीशन ही बदल देनी है। जो राजनीति का असल डिफिनीशन होंगे है वो डिफिनीशन असी करके दिखावे कि राजनीति होंगी की है। तुम दिल्ली दे विच देख सकते हो कि साढ़े श्री अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत ही अच्छे तरीके दे नाल बहुत वधिया काम किया है। उत्थे दी मतलब जनता का तुम देखोगे तीसरी बार उन्होंने जिताया तो अज भी वो सारे तारीफ करते हैं। वो मेहनत का नतीजा है, वो विजन का एक नतीजा है, वो इन्हों का विजन है। हूँ तुम देखो उत्थे पावर कितना है, 40-45% पावर है दिल्ली सरकार के को। तुम देख सकते हो एक कानून दोबारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया पावर नू घटाउन वास्ते, फिर भी तुम देख रहे हो कि इन्ना ज़्यादा काम हो रहा है। तो पंजाब वर्गे सूबे के भी जिथे 100% पावर होगा, तुम देख सकते हो जनता का पावर जनता के हाथ के बीच रहेगा, जनता का पावर जनता के हाथ विच रहेगा, हर पासे खुशहाली रहेगी। हर पासे तुसी देखोगे लोग अपना पावर अपनी ताकत खुद बरतेंगे। आम आदमी पार्टी का यही मकसद है कि आम जनता जो है वो अपनी शक्ति जो है अपनी ताकत है आप बरत ले। तो असी वो पंजाब दे विच वो करना चाहते हाँ जो हिंदुस्तान देखेगा, तो इत्थे जो क्रांति आएगी तुसी देख लेना पूरे हिंदुस्तान दे विच जानी है। एक शुरुआत हो रही है, एक नवी शुरुआत है। इस चीज़ में असं ये कह रहे हैं कि देखो जो असी नहीं कर सके, लूट खसोट तुसी देख रहे हो पंजाब दे विच जो लूट खसोट इन्ने साल तो चलता आ रहा है, हर तरीके का माफिया, जो माफिया असी सोचते भी नहीं सीगे सुनते भी नहीं सीगे उस माफिया का राज हो गया है। तो पता नहीं चलता कि यह माफिया है कौन, इधर उधर पार्टियां का भी पता नहीं चलता कि कौन किस पार्टी के विच है, राज किस पार्टी का है, ऑपोजिशन किस पार्टी की है। ये सारे रल मिलकर जो ये रिपोर्ट क्वेश कराई गई मैंने पूरा मैं वेख लिया कि हाँ किस तरीके दे नाल जिहड़े दोषी ने वो दोषी ही सरकार नूं डायरैक्ट कर रहे हैं, दोषी ही सारा कुछ करवा रहे हैं। इस करके असीं ये सोचा कि एक रिवोल्यूशन लेके आना बहुत जरूरी है। तो वो रिवोल्यूशन सिर्फ पोलीटिकल रिवोल्यूशन के नाल आना है, वो पोलीटिकल रिवोल्यूशन जनता ने लेके आना। जदों जनता जागरूक हो जाएगी देख लो सारा पोलीटिकल रिवोल्यूशन आएगा। इस रिवोल्यूशन के भी बच्चा बच्चा हर वर्ग का हर उम्र का व्यक्ति हर नागरिक इस शामिल होगा। एक मुहिम होगी, एक मूवमेंट होगा जिस हरेक व्यक्ति की सहूलत होगी। इस करके असी इस रिवोल्यूशन इस अमृतसर की धरती तो शुरुआत कर जा रहे हाँ। तो असी आस करते हाँ कि आम पब्लिक का पूरा सहयोग मिलेगा, आम पब्लिक नू अपनी ताकत बचाने का मौका मिलेगा, हर पासे खुशहाली रहेगी। ता ही गुरु नानक देव साहब ने कहा सी नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सरबत दा भला। ते सरबत दे भले वास्ते असी काम करना है, सरबत दे भले वास्ते काम करना है। असी किसे एक मतलब ये नहीं है कि ए बी सी डी कैटेगरी वास्ते एक काम करना है। देखो इतने हर व्यक्ति नू खुशहाली, हर व्यक्ति नू इंसाफ, इंसाफ भी एक तुसी देखोगे ना बहुत बड़ी चीज़ होंगी है। जेकर इंसाफ डिनाई हो जाता है तो उत्थे जाकर सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। इस करके सारिया नू इंसाफ मिलेगा, हर पास खुशहाली रहेगी, चढ़दी कला रहेगी। पंजाब की इस धरती नू तुसी देखो
इनू सिरमौर कहा जाता सी, पूरे भारत का सिरमौर हुंदा सी। आज पंजाब बहुत थले चल गया चला गया है हर एक खेत्र दे। असी बहुत छेती इस पंजाब नू समुन्नत करांगे, पंजाब तरक्की करेगा, हर पासे खुशहाली रहेगी और इस दे विच जनता का हर नागरिक सामने आएगा। वो आपे अपना काम करेंगे, अपना पावर इस्तेमाल करेंगे, असी एक जरिया के रूप के विच काम करेंगे। मैं एक बार फिर श्री अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब का धन्यवाद करता हाँ, सरदार भगवंत सिंह जी मान जी का, समुचे लीडरशिप जो है आम आदमी पार्टी की, थोड़ा सारे का धन्यवाद। असी एक परिवार के रूप काम करांगे, जो भी मेरी ड्यूटी लगेगी मैं बहुत वधिया तरीके दे नाल कोशिश करांगा। कि मैं पहला भी पुलिस दे नौकरी दे विच रह के मैं आम जनता दे नाल एक परिवारिक तौर पर काम किया, तो मैं इस आम आदमी परिवार दे विच भी एक परिवार का मैंबर बन के काम करांगा। तुसी जो भी ड्यूटी लगाओगे, जो जिस तरीके दे नाल, मैं वादा कर रहा हूँ कि बहुत चंगे तरीके दे नाल लगाऊंगा। थोड़ा सारे का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेहरबानी उमर विजय प्रताप जी, उन्होंने बहुत संखेप शब्दों के पंजाब की हालत भी बयान की है, नाल भी दस्या कि इस पवित्र धरती तो पहला भी बहुत सारे इनकलाब उन्होंने शुरुआत हुई है इस पवित्र धरती तो, अज वह भी इस पवित्र धरती की मिट्टी में सजदा करते हुए आम आदमी पार्टी के मैंबर बने ने, परिवार के भी शामिल हुए हैं। उन्होंने भी कहा कि आम आदमी पार्टी लिए जो पंजाब है वो गेटवे ऑफ इंडिया होगा। तो आम आदमी पार्टी जी है, क्योंकि जिन्हिया भी मुहिम उठी पहला पंजाब तो शुरुआत हुई ने, भावें आजादी की मुहिम, भावें हरा इनकलाब, जिन्हिया भी मुहिम की गल कर लिए, सो पंजाब इस मुहिम के मोहरी बनूगा। यही आस लैके उम्मीद लैके आम आदमी पार्टी के परिवार चो शामिल हुए हैं। हम मैं बेनती करदा मुख्यमंत्री दिल्ली से आम आदमी पार्टी के नैशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी कि वो थोड़े नाल संबोधन। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मंच पे मौजूद हमारे पंजाब के प्रधान भगवंत मान जी, हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन चीमा साहब, हमारे पंजाब के प्रभारी सरदार जरनैल सिंह जी, सह प्रभारी राघव चड्ढा जी और मेरे मित्र, मैं इनको एक तरह से अपना अफसर भाई कह सकता हूँ, मैं भी अफसर था, ये भी अफसर है, कुंवर विजय प्रताप जी, यहाँ पे जितने हमारे एमएलए साहब आए हुए हैं, सब लोग लीडरशिप, सभी भाइयों बहनों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको प्रणाम, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज आम आदमी पार्टी के लिए, पंजाब के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। कुंवर विजय प्रताप जी आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कुंवर विजय प्रताप जी नेता नहीं है, ना इनके मां बाप नेता थे, ना इनके दादा परदादा नेता थे, तो ये पॉलिटिकल परिवार से नहीं आते। मैं भी नेता नहीं हूं, ये भी नेता नहीं है, हमारी नेताओं की पार्टी नहीं है, हमें राजनीति करनी नहीं आती, हम सब देश के लिए आए हैं, समाज के लिए आए हैं। और उसी भावना के साथ आज कुंवर विजय प्रताप जी आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। पंजाब का बच्चा बच्चा विजय प्रताप जी के बारे में जानता है, इनके विरोधी भी इनकी ईमानदारी की कसम खाते हैं कि बेहद ईमानदार अफसर रहे। पंजाब के लोगों के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहे, और कहा जाता है कि आम आदमी के पुलिस वाले हैं, अगर कोई भी आम आदमी इनके यहां फरियाद लेके चला जाता था तो उसकी सुनवाई किया करते थे, इसलिए जनता इनको इतना प्यार करती है। नहीं तो पुलिस वाले की ड्यूटी इस तरह की होती है कि उसे बेचारे को सख्ती ज्यादा करनी पड़ती है पुलिस वाले को, तो कई बार लोग नाराज रहते हैं, लेकिन इनको लोग प्यार करते हैं। लेकिन पिछले 2-2.5 साल के अंदर जो बरगाड़ी
कांड में पंजाब के लोगों को न्याय दिलाने के लिए इन्होंने संघर्ष किया वो पूरा पंजाब देख रहा है। बरगाड़ी में बेअदबी हुई, फिर गोलीकांड हुआ और उनके जो मास्टरमाइंड थे वो खुलेआम घूम रहे हैं। इन्होंने जांच की, जो मास्टरमाइंड थे उन सब का पता लगाया, लेकिन सारा सिस्टम इनके खिलाफ हो गया। जब इन्हें लगा कि सिस्टम के अंदर रह के कुछ नहीं कर सकते तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया। एक इतने सीनियर पुलिस की नौकरी से इस्तीफा देना कोई हंसी खेल नहीं है। आज एक चपरासी की नौकरी के लिए आदमी पता नहीं कितनी रिश्वत देता है, कितनी सिफारिशें करवाता है, कितनी दर दर की ठोकरी खाता है, लेकिन इतने सीनियर पुलिस अफसर की नौकरी छोड़ के लात मार के किस लिए? अपने लिए नहीं छोड़ी इन्होंने नौकरी। इन्होंने नौकरी छोड़ी पंजाब के लोगों के लिए, उनको उनको न्याय दिलाने के लिए। मैं आज पंजाब के लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो इनकी अधूरी लड़ाई है और जो आज तक पंजाब के लोगों को बरगाड़ी कांड में न्याय नहीं मिला, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, बरगाड़ी कांड के जो भी मास्टरमाइंड थे उनको सजा दिलाएंगे और पंजाब के लोगों को न्याय दिलवाएंगे। और इसका सबसे बड़ा सबूत है कि जिस शख्स ने उसके ऊपर सबसे ज्यादा काम किया वो आज आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहा है। दोस्तों, आज पंजाब बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। पंजाब में सत्ताधारी पार्टी, उसके नेता कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे हैं। बहुत दुख होता है देख के। किस लिए लड़ रहे हैं? कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। वो कहता है मेरे को सीएम बनना है, वो कहता है मेरे को सीएम बनना है, वो कहता है मेरे को प्रधान बनना है, वो कहता है मेरे को प्रधान बनना है। जब पूरे पंजाब की जनता कोरोना की वजह से त्रस्त थी, ऐसे समय में जब आम जनता सोचती है कि हमारा मुख्यमंत्री, हमारी सरकार हमारे को काम आएगी, हमारी मदद करेगी, उस वक्त ये सारे कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे थे। पंजाब में एक और पार्टी है, उनके ऊपर तो भ्रष्टाचार और बेअदबी के बड़े संगीन आरोप लगे हैं। पंजाब के अंदर तीसरी पार्टी है, उनके लोगों को तो लोग अपने मोहल्ले में नहीं घुसने देते, मोहल्ले में जाते हैं तो लोग उनको भगा देते हैं। तो आज पंजाब के अंदर किसको पंजाब की चिंता है, किसको पंजाब के लोगों की चिंता है? किसी को चिंता नहीं। पंजाब के लोग जाएं तो कहां जाएं? पंजाब के लोगों की समस्याओं का कौन समाधान निकालेगा? और ये सब वो लोग हैं, ये सब वो पार्टियां हैं। ऐसा नहीं कि पहली बार कोई कांग्रेस की सरकार आई है, पिछले 70 साल में पता नहीं कितनी बार कांग्रेस वालों को मौका दे चुके, पता नहीं कितनी बार अकाली दल और बीजेपी वालों को मौका दे चुके। अब जनता ने कहना चालू कर दिया, जनता देख रही है। दिल्ली पड़ोस में ही है, दिल्ली वालों ने एक नई पार्टी को एक बार मौका दिया, दिल्ली में 24 घंटे बिजली आने लग गई, दिल्ली में बिजली फ्री हो गई। तो पंजाब के लोग अब कह रहे हैं भाई हमें भी फ्री बिजली चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? अब पंजाब के लोग भी कह रहे हैं भाई हमें भी फ्री बिजली चाहिए, हमें भी 24 घंटे बिजली चाहिए। पंजाब के लोग दिल्ली जाते हैं, देख के आते हैं इतने शानदार सरकारी स्कूल हो गए, तो पंजाब के लोग कहते हैं भाई उन्होंने अगर 5 साल में कर दिया, 70 साल में इन्होंने क्या किया हमारी सारी पार्टियों ने। पंजाब के लोग दिल्ली जाते हैं, देखते हैं सरकारी अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक इतने अच्छे हो गए, तो पंजाब के लोग अब कहते हैं भाई हमें भी अच्छे अस्पताल चाहिए, हमें भी गांव में क्लिनिक चाहिए, मोहल्ला क्लिनिक चाहिए।
अब पंजाब के लोग बदलाव चाहते हैं। अभी तक लोगों के पास विकल्प नहीं था, अब लोगों के पास विकल्प है। पंजाब के लोग बदलाव चाहते हैं। मैं पंजाब के लोगों को अपील करना चाहता हूं, पिछले 70 साल में आपने इन तीनों पार्टियों को अनगिनत मौके दिए, कुछ नहीं बदला। वैसे का वैसे कुर्सी की लड़ाई, सत्ता की लड़ाई, पैसे की लड़ाई, भ्रष्टाचार की लड़ाई, सब कुछ वैसा का वैसा। एक मौका आम आदमी पार्टी को देके देखो, हम सब मिलके पंजाब के 3 करोड़ लोगों के साथ पंजाब की दशा और दिशा दोनों बदलेंगे। मैं फिर से एक बार विजय प्रताप जी का पार्टी में तहे दिल से स्वागत करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो सपना वो आम आदमी पार्टी में लेके आए हैं एक पॉलिटिकल रेवोल्यूशन का, वो सपना जरूर साकार होगा। हम सब लोग मिलके पंजाब को बदलेंगे। बहुत बहुत मेहरबानी अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली मॉडल विचार छोटी जी दिखाई है, जिन्होंने पंजाब के लोग भी बड़ी बेसब्री 2022 के अपने पंजाब की धरती से लागू होने का देखना चाहते हैं, लोचते हैं, सोचते हैं कि जे दिल्ली के एक नवी पार्टी तीजी बार सरकार बना सकती है। एक बार मौका मिले तो उस तो बाद लोग कहते असं होर किसी को मौका ही नहीं देना। एक यहोजा नेता शायद ही, मैं तो अपने जिन्ना क मेरा सुरत जो मैं संभाली है, मैं नहीं देखे इस तरह का कोई नेता जिहड़ा वोटां तो पहला ये कहता हो जे मेरे पिछले 5 साल के काम तुहानू चंगे लगते हैं तो वोट पा दिओ, जे नहीं चंगे लगते बिल्कुल ना पायो। इस तरह की डेयरिंग स्टेटमेंट वास्ते जिगरा भी चाहिए, ईमानदारी भी चाहिए, तो पता भी होना चाहिए दिल च किवें कुछ कीता, उही बंदा कह सकता है। सो ईमानदारी दे पुंज ते देश दे सब तो फेवरेट मुख्यमंत्री, लोगों के मनपसंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी। इस तो पहला कि असं थोड़े सवाल लीए, मैं साढ़े सारे MLA साहबान को बुलाना चाहूँगा उपर, ताकि एक फोटो थोड़े सारे नाल हो जाए। आम आदमी पार्टी के MLA साहबान अमन अरोड़ा जी, मीत हेयर जी, कुलवंत पंडोरी जी, अवतार संधना जी, रोड़ी साहब, प्रिंसिपल बुद्धराम जी, संधोआ साहब, बलदेव सिंह जी, प्रोफेसर साधु सिंह जी, मैडम मानुके, सतीश कौर मानुके, तलवंडी साहब दे साडे विधायक, इस तो अलावा रूपी जी, रजिंद्र कौर जी, रूपी जी, अनमोल गगन मान, जग्गा जी, और सारे जिन्हें साडे MLA साहबान ने, मैं उन्होंने बेनती करता कि एक फोटो वास्ते एक हाथ ऊपर कर लेते हैं। बलकार सिंह जी आए नहीं, खड़े हो जाएं, एक बारी आ जाओ पीछे वाले दिखेंगे नहीं, पीछे वाले आप लोग के हाथ ऊपर कर लो। अब एक बारी बैठ के ले लो, पीछे वाले भी आ जाएंगे। एक मिनट, लो जी लो, आप ठीक है जी। मैं पंजाब की राजनीति बारे, दिल्ली की राजनीति बारे, देश की राजनीति बारे जो सवाल थोड़े जे तुम करना चाहते हो तो प्लीज। मैं आपकी उत्सुकता और आपकी जिज्ञासा से बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि आज पंजाब मौजूदा नेतृत्व से बहुत खफा है, बहुत गुस्सा है, और पंजाब एक नए किस्म का नेतृत्व ढूंढ रहा है। आम आदमी पार्टी का CM फेस कौन होगा, इसके बारे में हमारे अंदर खूब चर्चाएं चल रही हैं। जो भी होगा समय आने पे आपको बताएंगे, और आपको एक ही बात कह सकता हूं कि पूरे पंजाब को उसके ऊपर नाज होगा। और एक चीज पक्की है, आम आदमी पार्टी का पंजाब का CM फेस सिख समाज से होगा, क्योंकि हमें ये लगता है कि
पूरी दुनिया के अंदर पंजाब ही एक ऐसा स्टेट है जिसका सीएम सिख समाज से है। हमारा ये मानना है कि ये सिख समाज का हक है और ये हक उनके पास ही रहेगा। मैंने अभी आपको बताया कि जो भी आम आदमी पार्टी का सीएम ऐसा होगा जिसके ऊपर पूरे पंजाब को मान होगा, पूरे पंजाब को उसका गर्व होगा, और जो सीएम होगा वो सिख समाज से होगा। आज कुंवर साहब जी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, वो चुनाव कहां से लड़ेंगे, थोड़े दिन दे दो, सब कुछ बताएंगे आपको। आज तो यही खबर चलाओ और यही खबर छापो कि कुंवर साहब ने बहुत बड़ा कदम उठाया है, राजनीति में आए हैं और सारे मिलके आपके साथ मिलके पंजाब के 3 करोड़ लोगों के साथ मिलके पंजाब को बदलेंगे। हैं जी, क्या जी? सिद्धू साहब तो कांग्रेस के नेता हैं। मेरे ख्याल से देखिए, मैं सिद्धू साहब का बड़ा सम्मान करता हूं। सिद्धू साहब कांग्रेस के नेता हैं, सीनियर नेता हैं, तो इस तरह की ऐसे लूज टॉक नहीं करनी चाहिए किसी भी नेता के बारे में। मतलब अगर कुछ भी होगा तो सबसे पहले आप ही को बताएंगे। जो सिचुएशन की लौड़ पाएगी तो तुहानू ही बतावांगे जी। सब तो पहला थैंक यू सो मच, थैंक यू।